धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र 11 पर्वत। हम यहाँ न तो सबसे ऊंचे पर्वतों की बात कर रहे हैं और न ही पर्वतमालाओं की, हम बात कर रहे हैं धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र कहे जाने वाले पर्वतों की। तो आइए जानते हैं 11 सबसे पवित्र पर्वत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नंबर 1, कैलाश पर्वत। ये पर्वत हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ साक्षात शिव विराजमान है। इसी पर्वत के पास मानसरोवर स्थित है। इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो यह है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। ये पर्वत चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। नंबर 2, नंदा देवी पर्वत। माँ नंदा देवी के नाम से जाने जाना वाला यह पर्वत भारत का दूसरा और विश्व का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इससे ऊंचा पर्वत भारत में कंचनजंगा का पर्वत है। नंदा देवी का पर्वत भारत और नेपाल की सीमा क्षेत्र में फैला है। नंदा देवी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है। नंबर 3, माउंट आबू। माउंट आबू पर्वत राजस्थान और गुजरात सीमा पर स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। माउंट आबू में ही दुनिया का एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। नंबर 4, गोवर्धन पर्वत। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह शाप के चलते चलते धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। परंपरा के अनुसार दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी है। परिक्रमा जहां से शुरू होती वहीं एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे दानघाटी मंदिर कहा जाता है। परिक्रमा मार्ग में कई प्राचीन और धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें से यह भी एक स्थान है जहां से भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठा लिया था। नंबर 5, गिरनार पर्वत। गुजरात के जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत है। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिरवन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था। गिरनार मुख्यतः जैन मतावलंबियों का पवित्र स्थान है। यहाँ मल्लिनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। महाभारत के अनुसार रेवतक पर्वत की क्रोड़ में बसा हुआ प्राचीन स्थल है ये। नंबर 6, गब्बर पर्वत। भारत राज्य के गुजरात के बनासकांठा जिले में एक छोटा सा पहाड़ है, जिसे गब्बर पर्वत कहा जाता है, जो प्रसिद्ध तीर्थ अंबाजी से 5 किलोमीटर दूर है। यहीं से अरासुर पर्वत पर पवित्र वैदिक नदी सरस्वती का उद्गम भी होता है। यह प्राचीन पौराणिक 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। पुराणों के अनुसार यहां सती का हृदय भाग गया था। इसका वर्णन तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब आप सोचो कि ये 999 सीढ़ियां बनी कैसे। नंबर 7, चामुंडा पहाड़ी। मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर स्थित दक्षिण में चामुंडा पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। पहाड़ की चोटी से मैसूर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। मंदिर के पास ही महिषासुर की विशाल प्रतिमा रखी हुई है। नंबर 8, त्रिकूट पर्वत। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के कटरा जिले में स्थित त्रिकूट पर्वत पर पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ माता रानी वैष्णो देवी विराजमान है। माता के साथ यहाँ हनुमान जी और भैरव जी भी विराजमान है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। नंबर 9, तिरुमाला पर्वत। यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश स्वामी का मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थल दक्षिण भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने कुछ समय गुजारा था। इस मंदिर का ज्ञात इतिहास 9वीं सदी से शुरू होता है। नंबर 10, मनसा देवी पहाड़ी मंदिर। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित माँ मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में स्थित है। ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से मंदिर में पहुंचने के लिए रोप वे का इस्तेमाल होता है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। इनके पति जगतकारु तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। ये नागराज वासुकी की बहन है और ये मूलतः आदिवासियों की देवी है। नंबर 11, पावागढ़ की पहाड़ी। माना जाता है कि गुजरात के पावागढ़ में माँ के वक्षस्थल गिरे थे। पावागढ़ पहाड़ी माता का जागृत स्थान है। यहाँ लाखों भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि काली माँ की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर है, जिसे हम विश्वामित्री के नाम से जानते हैं।